हेलो डियर चिल्ड्रेन वेलकम टू इंग्लिश क्लास सो चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन चैप्टर इलेवन इफ़ आई वर एन एप्पल सो हमारे लेसन के नाम से पता चलता है हमारा जो पोएट है उसकी कुछ विश है उसकी कुछ मनोकामना है कि वह एक एप्पल होता वह क्यों ऐसा सोच रहा है कि वह एप्पल होता हम सब तो टीचर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं अलग अलग सबकी विशेज़ होती हैं बट वाई हव अ पोएट वॉन्ट्स टू बिकम एन एप्पल उसको एप्पल ही क्यों बनना है ओके सो चलिए देखते हैं हमारे पोएम में आखिर क्यों हमारा पोएट एप्पल ही बनना चाहता है सो दिस इज द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक इफ आई वर एन एप्पल यूनिट सिक्स ओके सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर सिक्सटी फोर सो दिस इज अवर स्मॉल पोएम इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रो ऑन अ ट्री I think I would drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me, my boy. सो so, बहुत अच्छा पोएम है ये अगर हम इसको बहुत अच्छे से रीड करके इसको समझेंगे इसका मतलब बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगा सो लेट start. फर्स्ट लाइन इफ़ आई वर एन एप्पल अगर मैं एक एप्पल होता तो एंड ग्रो ऑन अ ट्री मैं एक बड़े सुंदर से पेड़ पर उगता आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अनाइज बॉय लाइक मी सो मैं एक ऐप्पल होता तो एक पेड़ पर उगता और मैं एक मेरे जैसे ही सुंदर से प्यारे बच्चे के ऊपर जाकर गिरता आई वुडेंट स्टे देर गिविंग नो बड़ी जॉय ध्यान से सुनिए आई वुडन स्टे देर इसका मतलब क्या है पोएट ऐसा कह रहा है अगर मैं एप्पल होता तो मैं पेड़ पर ही नहीं रुकता गिविंग नो बड़ी जॉय मैं अगर खाली पेड़ पर ही लटके रहूं और किसी को मेरा मजा ना मिले मेरा स्वाद ना मिले तो क्या फ़ायदा आई वुडेंट स्टे देर गिविंग नो बड़ी जॉय सो पेड़ पर ही रहकर हम किसी को अपने फल का टेस्ट किए बगैर उसको कैसे रहने दे सकते हैं आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय सो so, मेरे जैसे ही कोई सुंदर सा प्यारा बच्चा मेरे पास अगर खड़ा हो अगर आके तो मैं फट से उसके ऊपर गिर जाऊँगा और उससे कहूँगा बड़े सुंदर से प्यारे बच्चे मुझे खाओ और मेरा स्वाद चखो ऐसा हमारा पोएट चाहते हैं सो so, वह चाहते हैं कि जो फ्रूट्स हैं उनका स्वाद सबको मिले हम खाली उनको पेड़ पर ही देख खुश ना हो ओके सो हम भी कई बार क्या करते हैं किसी गार्डन में जब जाते हैं मैंगो ट्री कोई भी जब पेड़ों का फल का पेड़ दिखता है हम सब उसको चखना चाहते हैं उसको तोड़ने की कोशिश भी करते हैं सो so, इसी प्रकार हमारा पोएट चाहता है वह एक एप्पल हो और उस एप्पल का स्वाद सारे बच्चों को मिले ओके चिल्ड्रेन इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम लेट अस रीड इट अगेन आई एफ इफ आई वर एन एप्पल डब्ल्यू ई आर ई वर ए एन एन ए डबल पी एल ई एप्पल If I were an apple, a n d and W grew on a tree, o n on a t r w e tree. I think, t h i n k think think मतलब सोचना। मैं ऐसा सोचता हूँ कि I would drop down, I f o s t f i d। आप इसको कैसे रीड करेंगे? I f o s t f i d को, this word, इस word को आपको कैसे रीड करना है? I would ओके इट इज इन कंट्रैक्शन फॉर्म हमारे ग्रामर में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं आई डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड ये फुल फॉर्म है जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में आई एफोस्टफी डी के जैसे लिखा है और इसको रीड कैसे करेंगे आई वुड आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन डी आर ओ पी ड्रॉप डी ओ डब्ल्यू एन डाउन आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन इसका मतलब ड्रॉप डाउन मतलब गिरना पेड़ पर से किसी फल का नीचे गिरना आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइज बॉय ओ एन ऑन अ एन आई सी ई नाइज बी ओ वाई बॉय एल आई के ई लाइक एम ई मी ऑन अ नाइज बॉय लाइक मी मेरे जैसे ही सुंदर बच्चे के ऊपर मैं जाकर गिरऊँगा आई वुडेंट डब्ल्यू ओ यू एल डी एन एफोसफी टी सो आई वुडेंट स्टे देर एस टी ए वाई स्टे टी एच ई आर ई देर I wouldn't stay there giving nobody joy. G -I -V -I -N -G, G-I-V-I-N-G giving. No, B O D Y buddy. Nobody. J-O-Y joy. I would fall down. I D. I would. F -A -L -L, F-A-L-L fall. D-O-W-L. D-O-W-N down. I would fall down at once. A-T-A-T-O-N-C-E once. And say, A N D and S A Y say, and say, E A T eat, M E me, eat me, M Y my, B O Y boy, eat me, my boy. Okay, children. So, very nice poem and very small one also. So, please read this poem properly. You will get this poem in the exam also. सो सम न्यू वर्ड्स आर गिवन हियर अगर आप रीड करेंगे आपको और भी कई न्यू वर्ड्स मिल सकते हैं जिनको आप कहीं पे लिख के प्रैक्टिस करिए उसको अच्छे से रीड करिए सो एप्पल ए डबल पी एल ई एप्पल बी ओ वाई बॉय ई ए टी ईट डी आर ओ पी ड्रॉप जे ओ वाई जॉय सो दीज आर द न्यू वर्ड्स लेट्स रीड समिवन हेयर यू हैव टू रीड दैम प्रॉपरली आई लाइक टू ईट एन एप्पल I L I K E like T O to e A T eat An -N -N, Apple A -P -P -L -E, Apple. I like to eat an apple. Next sentence W E V C L A P clap. O U R our H A N D S hands. We clap our hands. W I T H with J O Y Joy. We clap our hands with जॉय इसमें ऐसा कहा गया है हम खुशी से तालियां बजाते हैं क्लैप मतलब ताली मारना जॉय मतलब खुशी से वी क्लैप अवर हैंड्स विद जॉय सो रीडिंग इज फन सो हमने रीडिंग किया पोएम देखी यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है जहाँ पे बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ है ओके नाउ वेयर इज द एप्पल हमारे पोएम के अंदर एप्पल कहाँ पर बताया गया है सो एप्पल इज ऑन द ट्री एप्पल पेड़ों पर पे लगा हुआ है वेयर इज द बॉय सो लड़का कहाँ है हमारे पोएट के हिसाब से सो बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री वह अब पेड़ के नीचे आके खड़ा है और आई तरह अगर हम पिक्चर को देख के आंसर कहें सो द बॉय इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री इज ऑन द ट्री यू कैन से हमारे इस पिक्चर के आधार पर अगर हम लिखते हैं तो द बॉय इज ऑन द ट्री हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल सो यहाँ ऐसा पूछा गया है बॉय को एप्पल कैसे मिल सकते हैं सो बॉय हैज़ ऑलरेडी क्लाइम्ब ऑन द ट्री ही कैन प्लक द फ्रूट व प्लग मतलब तोड़ना क्योंकि वो ऑलरेडी पेड़ पर चढ़ गया है वो चढ़ के अगर फल को तोड़ेगा तो ही विल गेट एन एप्पल डू यू लाइक एप्पल्स नाउ लेट्स स्टॉक यहाँ पे आपको अपनी चॉइस बतानी है डू यू लाइक एप्पल्स क्या आपको एप्पल्स अच्छे लगते हैं येस आई लाइक एप्पल्स हैव यू एवर क्लाइं अ फ्रूट ट्री क्या आप कभी किसी फल के पेड़ के ऊपर चढ़े हैं ऐसा यहां पूछ रहे हैं नो आई हैव नेवर है फ्रूट ट्री क्या आप चढ़े हो कभी सो यू हैव टू थिंक एंड आंसर दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स इफ आई वर अ बर्ड आई वुड डैश यहाँ पे ऐसा कहा गया है अगर मैं एक बर्ड होती तो आई वुड डैश अगर हम बर्ड होंगे तो क्या करेंगे एफ एल वाई फ्लाई या सी आर वाई क्राई सो बर्ड्स क्या करती है एफ एल वाई फ्लाई सो यहाँ पे लिखेंगे एफ एल वाई फ्लाई ओके नेक्स्ट इफ आई वर अ बी अगर मैं एक मधुमक्खी एक बी होती तो आई वो डैश बज या चिर बज मतलब भिन्न बिनाना मधुमक्खियाँ क्या करती हैं बीज वह बज करती हैं भिन बिनाती हैं फ्लावर्स के ऊपर शिरप मतलब बर्ड्स की तरह आवाज करना ओके okay? सो so, यहाँ पे हम लिखेंगे बज पहले इसको टिक लगाया बी यू डबल जेड बी यू डबल जेड बज ओके सो दीज आर द फिलप्स से अलाउड सो आपको इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से रीड करना है ए डबल पी एल ई एप्पल पी ई ओ पी एल ई पीपल सो यहाँ पे पी लास्ट में लास्ट का पी एल ई का साउंड कैसा है पी एल ई सो यहाँ पे पी एल ई का साउंड सभी में पल पल इस प्रकार से आता है ए डबल पी एल ई एप्पल पी ई पी एल ई पीपल आर आई डबल पी एल ई रिपल सो पी एल ई का साउंड पल इस प्रकार से होता है यू हैव टू लर्न इट नेक्स्ट डी आर ई डब्ल्यू ड्रू डी आर ई डब्ल्यू ड्रू

ए का प्रिंट नहीं आ रहा है आ गया सो नंबर टू ग्रेप्स जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स नंबर थ्री मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो नंबर फोर बनाना बी ए एन एन ए सो बनाना पी ई ए आर पेर P E A R pair. So children like this you have to complete the exercise. So आपको इस सारे exercises को अच्छे से revise करना है and poem को भी read करना है. So please read the poem properly. Bye bye.